नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आप सबका उत्कर्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम अक्षय गौड़ है और एनटीपीसी का मैराथन क्लास जो चल रही है उसके नए चैप्टर के साथ में हम लोग यहां पे फिर से मैं आप सबके सामने हाजिर हुआ हूं। आज का चैप्टर होगा टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि समय, चाल और दूरी। समय, चाल और दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस आज का चैप्टर होने वाला है। और आज की ही क्लास यानी पहली क्लास में कुछ अच्छे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम जो है आज मैं आपको उनके कंसेप्ट कराने वाला हूँ। जब हम टाइम एंड डिस्टेंस की बात करते हैं, स्टार्ट हमेशा सिंपल क्वेश्चन से हो जाती है कि स्पीड इतनी है, टाइम इतना है, बताओ कितना दूर गया होगा, या टाइम कितना लगेगा अगर इतनी दूर इतने किलोमीटर की स्पीड से जाया जाए। ऑब्वियसली ये बातें करे बिना चैप्टर आगे नहीं बढ़ सकता, पर जो बेसिक क्वेश्चंस हैं दूरी ज्ञात करने वाले, समय ज्ञात करने वाले, इन सब क्वेश्चंस को हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। और आज जो फॉर्मूले से हटकर कुछ क्वेश्चंस हैं, सीधे रेलगाड़ी पर पहुंचने पर वो मज़ा आपको नहीं आएगा। तो हमारी टाइम एंड डिस्टेंस की प्रेम कहानी पूरी मुकाम तक पहुंचे, इसलिए ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में हमारे मार्क्स आए। एग्ज़ाम के मार्क्स के लिए हम पढ़ रहे हैं। और पहली क्लास में जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि आज की ही क्लास में हम लोग कुछ लेट जल्दी इस तरह के क्वेश्चंस भी आज की क्लास में करने वाले हैं। एवरेज स्पीड वाले रेशियो कैसे अप्लाई होगा स्पीड और टाइम में, इस तरह से। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सबको मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, सबको नमस्ते, जय श्री राम। जी हाँ, चलिए एमपी से भी हमारे साथ वीके विशाल, किरण जुड़े हैं, स्वागत करता हूँ मैं आपका। तौकीर, प्रहलाद, सबको नमस्ते। ठीक है, चलिए अब जैसा मैंने आपको बताया आज का टॉपिक है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो जब हम स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की बात करते हैं, देखें ऑब्वियसली फार्मूले के बगैर काम नहीं चलेगा कि डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी दूरी इज इक्वल टू चाल इनटू समय, या चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी बटा चाल। ऑब्वियसली ये तीन फॉर्मूले हैं और इन तीनों फार्मूलों के अलावा देर इज नो अदर फार्मूला। ये तीनों फार्मूले ही हमारे पूरे चैप्टर में हमारे आंसर्स लाने में हमारी हेल्प करेंगे, पर ये फार्मूले अप्लाई भी नहीं होंगे अगर एक छोटी सी चीज़ हम ना समझें, और वो छोटी सी चीज़ का नाम है यूनिट्स। क्या नाम है? यूनिट्स। मेरे कहने का ये मतलब है कि स्पीड का फॉर्मूला लगाओगे डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, या डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओगे स्पीड इनटू टाइम होगा, पर कैसा डिस्टेंस या कैसा टाइम, कैसी स्पीड हमें देगा, या कैसी स्पीड और कैसा टाइम, कैसा डिस्टेंस हमें देगा। मेरे कहने का ये मतलब है, एक चीज को आपको ध्यान रखना है कि डिस्टेंस अगर किलोमीटर में है तो स्पीड उस वक्त किलोमीटर पर आर में, और टाइम उस वक्त आर्स में यानी घंटों में होना चाहिए। और डिस्टेंस मीटर में है या चाहिए तो स्पीड मीटर पर सेकंड में होगी या मिलेगी, और जो टाइम है वो सेकंड में होना चाहिए या आप प्रोड्यूस करोगे। मेरे कहने का ये मतलब है, साधारण शब्दों में कहें कि अगर आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं जो कि स्पीड इनटू टाइम है, स्पीड अगर किलोमीटर पर आर में है और टाइम अगर सेकंड में है तो एक साथ यूज़ नहीं कर पाओगे। या तो टाइम को सेकंड से घंटों में बदलोगे, या किलोमीटर पर आर की स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदलोगे। कुछ ही देर की थ्योरेटिकल चीज़ें हम लोग एक बार समझ लें, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आते हैं। तो अब ध्यान से मेरी बात आप सुनना कि ये जो अगर आप ये चीज़ समझिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूले आपको बचपन से याद है, मतलब मैं नहीं भी पढ़ाऊंगा तो ये फार्मूला, इनमें से एक भी फार्मूला ऐसा नहीं है जो आप में से किसी को ना आता हो। ये तीन फार्मूले, बड़ा सिंपल सा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टाइम है, यहीं से स्पीड बन जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहीं से टाइम बन जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके। पर अगर आप इन यूनिट्स का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर स्पीड किलोमीटर पर आर में है तो टाइम आर्स में होना चाहिए, और अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में है तो टाइम सेकंड में होना चाहिए। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो टाइम आर्स में होगा, तो स्पीड किलोमीटर पर आर में निकलेगी, वगैरह वगैरह। तो जब आप इस चीज को करते हैं तो आपको अक्सर एक चीज की आवश्यकता पड़ेगी। देखें, क्या
अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझको 250 मीटर दूर जाना है, तो 250 मीटर को 0.25 किलोमीटर्स में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि 0.25 डिस्टेंस लेना थोड़ा ऑड होगा, कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। अगर मैं आपसे कहूँ 15 सेकंड में मैं यहाँ से वहाँ पहुँच जाऊँगा, तो 15 सेकंड को आप घंटों में चेंज करेंगे, 0.0 समथिंग अगर घंटे में आप उसे लिखते हैं तो भी वो यूजलेस होगा। मोस्टली आपको ज़रूरत क्या पड़ेगी, ध्यान से सुनना, कि आप किलोमीटर पर आर की स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदलें, किलोमीटर पर आर की स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदलें, या वाई से वर्षा मीटर पर सेकंड की स्पीड को किलोमीटर पर आर में बदलें। ये कन्वर्जन आपके बार बार काम आएगा। देखें, आपके घर से आपके दोस्त का घर 200 मीटर दूर हो सकता है, पर अगर आप बाइक से या स्कूटर से अगर आप अपने दोस्त के घर जाते हैं, तो आपका स्कूटर, आपका कार, आपकी बाइक, आपकी एरोप्लेन भी अगर होगी, तो वो जो स्पीडोमीटर है वो स्पीड हमेशा किलोमीटर्स पर आर में दिखाता है, यानी कि टाइम सेकंड्स में हो सकता है, डिस्टेंस मीटर में या किलोमीटर में हो सकता है, टाइम घंटों में हो सकता है, बट स्पीड दी जब भी आपको जाएगी वो हमेशा किलोमीटर पर आर में दी जाएगी, और मोस्टली जब पूछी भी जाएगी तो भी किलोमीटर पर आर में पूछी जाएगी। तो ये कन्वर्जन आपको करना पड़ेगा। डायरेक्टली अगर आप रटना चाहें तो किलोमीटर पर आर को जब 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो मीटर पर सेकंड में बदलता है। मैं एक झलक आपको दिखला सकता हूँ कि ये कैसे हुआ, पर वो जानना इतना ज़रूरी नहीं है। सपोज करें मेरी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आर। ध्यान से सुनना, आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है, आज की वीडियो से ही आने वाले सारे वीडियो के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सपोज करें आपकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आर, तो आप देखें 70 किलोमीटर, किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, और घंटे का मतलब 60 × 60 सेकंड, एक घंटे में 60 मिनट होंगे और प्रत्येक मिनट में 60 सेकंड होंगे, तो किलोमीटर पर आर से मैंने मीटर पर सेकंड में बदल दिया। इस 70 को मैं छू नहीं रहा अपनी कैलकुलेशन को चेंज करने के लिए, तो 2 0 से 2 0 गया, 2 से गया 5 बार, 2 से गया 3 बार, ये 70 को अभी मैंने छुआ भी नहीं, सिर्फ कन्वर्जन में जो 1000 और 3600 नीचे मैंने लिखा है ये कन्वर्ट होके 5/3 × 6 = 18 आ गया। यानी कि 70 की जगह अगर 80 होता तो ये 80 भी एज इट इज़ रहता, अगर 80 की जगह 90 होता तो ये 90 भी एज इट इज़ रहता, पर 5/18 से उसे बदल के वो मीटर पर सेकंड में बदल गया, ये हमेशा होगा। यानी कि हम इस चीज़ को याद रखेंगे कि जब भी हमको किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकंड में स्पीड को कन्वर्ट करना हो, और यकीन मानिए आपको अगर आप 100 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के करते हैं तो 60 क्वेश्चन में आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर किलोमीटर पर आर में आपकी स्पीड है उसे मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसका उल्टा अगर मीटर पर सेकंड से फिर से किलोमीटर पर आर में बदलना हो तो 18 ऊपर और 5 नीचे, यानी 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो किलोमीटर पर आर में बदलेगा। अगर एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि आपकी स्पीड 72 किलोमीटर्स पर आर है, तो आप इसे 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई करें और 20 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। वाई से वर्षा, अगर आपकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, आप 20 को 18/5 से वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फिर से 72 किलोमीटर्स पर आर मिल जाएगा। अब एक चीज़ देखें कि जब आप कन्वर्ट करते हैं नीचे क्या है 18, आपने शायद पहले भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस देखे हों, किताबों में देखे हों, एग्जाम्स में देखे हों, कहीं पढ़े हों, तो आपने एक चीज़ नोट की होगी, कभी आपकी कैलकुलेशन में बहुत रेयरली, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं, बट बहुत रेयरली ऐसा हुआ होगा कि आपका आंसर डेसिमल में आ रहा है, कि यहाँ से वहाँ तक जाने में एक व्यक्ति को 20.25 सेकंड लग गए या 17.37 सेकंड लग गए, ऐसा नहीं होता। मतलब जो वैल्यूज़ आती हैं वो एग्जैक्ट जो आप कह सकते हैं पूर्णांकों में वैल्यूज़ डिस्टेंस की या टाइम की आती हैं, तो पूर्णांकों में तब आएगी जब ये 18 डिसॉल्व हो जाए। 18 डिसॉल्व हो जाए मतलब ये 18 यहाँ से कट जाए। इसलिए ये जो किलोमीटर पर आर की वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी जाएंगी वो 18 या 18 की मल्टीपल्स यानी गुणक होंगी। क्या होंगी? 18 या 18 की गुणक मल्टीपल्स होंगी। नॉट ऑलवेज बट मोस्टली, हमेशा नहीं कह रहा हूँ, ऑब्वियसली ऐसी कोई बंदिश नहीं है, बट अधिकतर प्रश्नों में आपको यहाँ पे किलोमीटर पर आर की वैल्यू कैसी मिलने वाली है, 18 किलोमीटर पर आर, 36 किलोमीटर पर आर, 54 किलोमीटर पर आर, 72 किलोमीटर पर आर, 90 किलोमीटर पर आर, 108 किलोमीटर पर आर, मतलब वो जो 18 से कट जाए, 18 की गुणक, 18 की टेबल में आने वाले 18 के मल्टीपल्स।
तो जब आपको पता ही है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ना पलक झपकाना ना कमेंट्स करने पे ध्यान देना, सिर्फ बात सुनना। जब आपको पता है कि ऐसा होने वाला है तो क्यों हम अपना समय व्यर्थ करें? एक एक सेकंड बचाना है हमको, एग्जाम में हमारा ये मोटिव होता है। तो हम याद रख लें, क्या रख लें याद, कि भाई अगर 72 किलोमीटर प्रति घंटा कभी हमारे सामने आएगा तो चुटकियों में 20 मीटर पर सेकंड यूज कैसे होगा, ये या आप याद रखेंगे। हालांकि प्रैक्टिस करने से याद तो होगा, बट आप इसे याद रखें ताकि आपको आने वाले समय में टाइम बचा सके। आप क्या याद करना है आपको, कि अगर 18 किलोमीटर प्रति घंटा आपको स्पीड दिया हुआ है तो उसका मतलब होता है 5 मीटर पर सेकंड, 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है तो 10 मीटर पर सेकंड, 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है तो 15 मीटर पर सेकंड, 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है तो 20 मीटर पर सेकंड, 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है तो 25 मीटर पर सेकंड, 108 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है तो 30 मीटर पर सेकंड, 126 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है तो 35 मीटर पर सेकंड, और 144 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है तो 40 सेकंड। अब 144 से ज्यादा बड़ी वैल्यूज भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे कोर्स में ट्रेन से ज्यादा स्पीड तो किसी चीज की होनी नहीं है। अब ट्रेन से ज्यादा स्पीड होनी नहीं है और भारतीय रेल सेवा 150 के आसपास खत्म हो जाती है, 144 के आसपास खत्म हो जाती है, तो सही टाइम पढ़ रहे हो, क्योंकि जिस दिन बुलेट ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी ये 144 की जगह 544 भी याद करना पड़ सकता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर ये अभी सही समय है, अभी याद कर लेते हैं, क्योंकि अगर अभी जॉब नहीं लगी तो 2-3 साल बाद जब अपने जो है बुलेट ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी तो 144 की जगह कहीं 1044 तक याद ना करना पड़ जाए। बुलेट ट्रेन की स्पीड 400-500 जापान में पहुंच चुकी है तो यहां भी पहुंच जाएगी, इसलिए हम अभी भारतीय रेल सेवा को ध्यान में रखते हुए 144 तक याद करते हैं। साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज भी आप याद कर लें जो इनके अलावा आपके काम आ सकती हैं, जैसे अगर 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसका मतलब 12.5 मीटर पर सेकंड होगा, अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसका आंसर 25/3 मीटर प्रति सेकंड होगा, और अगर 60 मीटर किलोमीटर प्रति घंटा है तो 50/3 मीटर प्रति सेकंड होगा। आप इसे जो है थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करें। अगर आप याद रखते हैं तो जो भी स्पीड क्वेश्चन में दी जाएगी वो फटाफट से आप कन्वर्ट कर लेंगे, आपको बार बार इनटू 5/18 करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर पढ़ भी जाए तो कर लीजिएगा, बट याद हो तो अच्छा है। तो अब इसके साथ साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको लिख लें, ये वीडियो अनंत समय तक यूट्यूब पे पड़ा रहेगा, आपके पास दुनिया भर का समय है, आप इसे लिखते रहिएगा, ठीक है। अभी प्रकाश सैनी समझ में आ रहा है, अभी थोड़ी देर में कमेंट्स में देखता हूं आपके, ठीक है। अभी साथ साथ एक रिलेशन आप ध्यान रखिएगा, देखें क्या होता है, आपको सपोज करें यहां से यहां तक ट्रेवल करना है, मतलब एक फिक्स्ड डिस्टेंस आपको चलनी है। अब अगर आपकी स्पीड मुझसे ज्यादा है तो आपको टाइम मुझसे कम लगेगा, अगर आपकी स्पीड मुझसे ज्यादा है तो आपको टाइम मुझसे कम लगेगा, और अगर आपको टाइम मुझसे कम लगाना है तो आपको स्पीड अपनी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, और अगर टाइम ज्यादा लगाना है तो आपको स्पीड कम कर लेनी चाहिए, स्पीड कम करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल से मेरे कहने का मतलब है, हिंदी में कहें तो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उल्टा रिलेशन होता है। एग्जाम्पल देता हूं आपको मैं, कि अगर दो आदमियों की स्पीड का अनुपात 2:3 है तो जो टाइम वो किसी फिक्स्ड दूरी को तय करने में लेंगे उसका अनुपात 3:2 होगा, जिसकी स्पीड कम उसका टाइम ज़्यादा, जिसकी स्पीड ज़्यादा उसका टाइम कम। तो उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझ पाए होंगे। तो अभी तक कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की हैं, ठीक है। बारिश जहाँ हो रही होगी वहाँ नेटवर्क का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, बट इट्स फाइन। सबको मेरी तरफ से नमस्ते, जो लोग लेट जुड़े हैं उन सबका प्रणाम मैं स्वीकार करता हूँ, और सबको मेरी तरफ से प्यार और आशीर्वाद, जी हाँ, राम राम। चलिए, तो अभी तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने की कोशिश की है। क्या क्या हमने पढ़ा, हमने पढ़ा कि भैया यूनिट्स का ध्यान रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूनिट्स का ध्यान रखो, किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर का कन्वर्जन कैसे होगा, ये हमने सीखा, और साथ ही साथ हमने देखा कि टाइम का और स्पीड का जो संबंध है वो एक दूसरे से कैसा है।
अब कैसे आप इसे अप्लाई करने वाले हैं। अब आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल से लेकर पटवारी तक के एग्जाम्स में, व्यापम के एग्जाम्स में, हर एग्जाम में इसको देखा गया है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या है, यदि मैं अपनी सामान्य चाल, यदि मैं अपनी सामान्य चाल की 7/5 चाल से, 7/5 चाल से ऑफिस जाऊं तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता हूं, 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता हूं या 10 मिनट कम समय में पहुंच जाता हूं। सामान्य चाल से मुझे कितना समय लगता है। ध्यान से सुनना, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा नहीं, पहले आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन क्या है कि यदि मैं अपनी यूजुअल स्पीड से, सामान्य चाल से 7/5 स्पीड से अगर ऑफिस जाऊं तो अपने ऑफिस 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता हूं, यूजुअल स्पीड से मुझे कितना समय लगता है। अब आप मुझे देख के बताइए कि अगर स्पीड 7/5 मैं कर दूं तो मैंने स्पीड बढ़ाई है या कम की है। आप कहेंगे सर बढ़ाई है। अगर मैं आपसे कहूं मेरी स्पीड 3/2 हो गई मतलब बढ़ाई है, 2/3 हो गई मतलब कम की है, 5/7 हो गई मतलब कम की है, और 7/5 हो गई मतलब बढ़ाई है। अगर न्यूमरेटर बड़ा होता है यानी कि अगर वैल्यू 1.1 से ज्यादा आती है मतलब हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। पहले कंसेप्ट समझें फिर मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा। पहले कंसेप्ट समझना, यदि मैं अपनी सामान्य चाल की 7/5 चाल से ऑफिस जाऊं मतलब सामान्यतः यूजुअली मेरी स्पीड 5 होती है और आज मेरी स्पीड 7 हो गई, स्पीड बढ़ा दी। रोज स्पीड 5 होती है, आज स्पीड 7 हो गई, यानी सामान्यतः 5 से आज मेरी स्पीड कितनी हो गई है भाई, आज मेरी स्पीड 7 हो गई है। मैंने आपको बताया कि अगर स्पीड का रेशियो 5:7 है तो टाइम का रेशियो 7:5 हो जाएगा। अब आप देखें कि अगर पहले आपको 7 मिनट लग रहे थे तो अब आपको 5 मिनट लग रहे हैं, मतलब कितने मिनट, रेशियो में कितने कम लग रहे हैं, 2। असली में कितने कम लग रहे हैं, 10, यानी कि ये 10 जो है इस 2 के बराबर हुआ, और यूजुअल टाइम आपसे पूछा है यानी 7 की वैल्यू आपसे पूछी है, आपका आंसर आएगा 5 7 35 मिनट्स, ये यूजुअल है। अगर आप यहां 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25 आएगा, यानी 35 से 10 मिनट कम आएगा जो कि आज का टाइम है। अब इसको आप शॉर्ट में कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। आपसे कहा स्पीड 7/5 हो गई तो आप 7/5 लिखें यहां पे, और आप 10 मिनट जल्दी पहुंच गए, 10 लिखें यहां पे, 7 × 10 करो, 7 × 10 करो, और 7 और 5 का डिफरेंस कितना है, 2 से डिवाइड करो, आपका आंसर जो 35 आएगा, ये हमेशा यूजुअल टाइम आता है, सामान्य चाल से जितना समय लगता है यूजुअली उसको जो समय लगता है वो आएगा। ये 10 मिनट था तो ये 35 मिनट होगा, ये 10 घंटे होता तो ये 35 घंटे होता, बात आप समझना मेरी। तो 10 मिनट जल्दी पहुंचना है, सामान्यतः 35 मिनट लगता है, आज 10 मिनट जल्दी पहुंचा है, अगर आज का टाइम पूछता, बोलते हैं यहां पे हमने पूछा आपसे सामान्यतः उसे कितना समय लगता है, अगर क्वेश्चन होता कि आज कितना समय लगा है तो हम 35 से 10 मिनट जल्दी यानी 10 मिनट कम कर लेते और हमारा आंसर 25 आ जाता। एक और एग्जांपल के सहारे इस कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिएगा। आपसे कहा यदि मैं अपनी सामान्य चाल की 4/7 चाल से ऑफिस जाऊं तो 12 मिनट देरी से पहुंचूंगा, तो सामान्य चाल से
मैं कितने समय में ऑफिस पहुंचता हूं? इसका आंसर देना है आपको बिना पेन टच किए। तौकीर आलम, थैंक यू। टाइम एंड वर्क, अभी जस्ट पवन कुमार, हमने 5 वीडियोस दोस्त टाइम एंड वर्क के बनाए हैं, फिर एक वीडियो पाइप एंड सिस्टर्न का भी बनाया है। पूजा सिंह, स्वागत है आपका। 16 मिनट आंसर, सबसे पहले सोनू चौधरी का मेरे सामने आया है, शिवांगी का भी, बलजीत, सिकंदर कुमार, प्रणव, दुर्गेश, ममता यादव 21 कह रही हैं, देखते हैं 21 सही है या नहीं, 28 कुछ लोग कह रहे हैं, ओके। अभिषेक तिवारी 16, डिम्पल विमलेश 16, देवल गुर्जर भी 21 कह रहे हैं। लेट अस सी, देखिए ध्यान से, यदि मैं अपनी सामान्य चाल की 4/7 चाल से ऑफिस जाऊं तो 4/7, ट्रिक से कर रहे हैं, शॉर्ट में डिटेल भी बता दूंगा आप चाहेंगे तो, 4/7 कितनी देर लेट पहुंच रहा है भाई, 12 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो 4 और 7 का डिफरेंस कितना है 3, तो 4 × 12 = 48 अपॉन इनका डिफरेंस कितना है 3, 3 से आप इसको डिवाइड करें, आपका आंसर 16 मिनट आएगा, जो कि यूजुअल सामान्यतः समय लगता है, सामान्य टाइम ही आपसे पूछा है कि मैं अपनी सामान्य चाल से यानी यूजुअल स्पीड से जो रोज लगभग रहती है, यूजुअल स्पीड से मैं 16 मिनट में ऑफिस पहुंचता हूं। और यहां पे यदि लिखा है, मतलब ऐसा हुआ नहीं है, अगर लिखा होता आज का टाइम बताओ, आज मैं अपनी सामान्य चाल की 4/7 से गया, तो आज में हम जो है यहां पे 12 मिनट देरी हुई है, तो 16 में 12 जोड़ के 28 आंसर दे देते। 28 तब आता दोस्त, जिनका आंसर 28 आ रहा है वो ध्यान से सुनना, 28 आपका आंसर तब आता जब आपसे आज का टाइम पूछा होता, यूजुअली टाइम 16 लगा। जो कंसेप्ट से करना चाहे देखें, 4/7 करने का मतलब होता है कम करना, यानी कि अगर सामान्यतः यूजुअली, अगर सामान्यतः यूजुअली आपकी स्पीड 7 होती है, तो आज आपने अपनी स्पीड को 4 कर दिया, क्या कर दिया, 4 कर दिया, यानी आपने अपनी स्पीड कम कर ली, ये रेशियो आया स्पीड का। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो होगा 4:7, रेशियो में कितना अधिक, 3 अधिक, असली में कितना अधिक, 12 अधिक, तो सामान्य टाइम पूछा है यानी 4 की वैल्यू पूछी है, 4 × 16 आपका आंसर आएगा। आप इस 7 से मल्टीप्लाई मत करना, सामान्य के नीचे 7 लिखा है इसलिए, क्योंकि वो स्पीड का रेशियो है, टाइम की बात चल रही है इसलिए इनटू 4 ही करेंगे और 16 मिनट आपका आंसर होगा। इज दैट क्लियर? जय सिखवाल तक, कन्हैया लाल तक, सबको समझ में आ चुका है। तो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन ऐसा और आप करके दिखा दें मुझको, ताकि मैं जो है श्योर हो जाऊं और फिर हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे पहुंचते हैं। यदि मैं अपनी या आज मैं अपनी सामान्य चाल यानी यूजुअल स्पीड की 8/5 चाल से ऑफिस गया, इसलिए मैं 15 मिनट जल्दी पहुंच गया। आज मुझे ऑफिस पहुंचने में कुल कितना टाइम लगा? अब जो लोग श्योर हैं वो पेन ना छुएं और सीधे आंसर दें। जो लोग श्योर हैं, डोंट टच योर पेन। प्रदीप, शुभम, शबनम सॉरी, आकाश, विपुल, बलजीत, 40 40, छोटू, रामेंद्र, छोटू रामनिवास, हिम्मत राम, आकाश, छोटू, डिंपल, अंकित, आकाश 40 आंसर दे रहे हैं। लेट अस सी कि क्या वो 40 सही है या हनुमान चालीसा की जरूरत है, देखते हैं। चलिए 25 मिनट आंसर, तौकीर 40, प्रणव 25, लेट अस सी। आज मैं अपनी सामान्य चाल की 8/5 चाल से गया, ट्रिक से बता रहा हूं, किससे बता रहा हूं, सीधे ट्रिक से बता रहा हूं, 8/5 से गया मतलब बढ़ा के गया, इसलिए 15 मिनट जल्दी पहुंचा, तो 8 × 15 / 8 और 5 का डिफरेंस 3, 3 से आपका आंसर आया 40।
अब जिनका आंसर 40 था उनका आंसर 40 गलत है, क्योंकि ये हमेशा यूजुअल टाइम आता है। कौन सा टाइम आता है? यूजुअल टाइम आता है। आपसे पूछा आज मुझे, आज तो मैं 15 मिनट जल्दी पहुंचाऊं, यानी 40 में से 15 कम करूंगा और 25 मिनट आंसर दूंगा। जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका आंसर 25 होगा, जितने लोगों ने 40 दिया था, और लड़ी लग गई थी 40 लोगों, 40 का आंसर देने वाले स्टूडेंट्स की। भाई क्वेश्चन का लास्ट, जो क्वेश्चन के गर्भ में जो लास्ट लाइन होती है वही लास्ट लाइन, क्योंकि देखो कंसेप्ट तो ऐसा है भैया, सीख रहे हैं ना, पढ़ेंगे तो आ जाएगा, ऐसी चीजें ही नहीं है जो हमको समझ में ना आए। अब इजी चीजें हैं, कोशिश भी मैं ढंग से कराने की करता हूं, पर आप लास्ट लाइन अगर नहीं देखोगे, जैसे हम रीजनिंग पढ़ते हैं, ब्लड रिलेशन पढ़ते हैं, ए का बी से संबंध पूछा है तो चाचा होगा, बी का ए से पूछा है तो भतीजा होगा, ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। समझ रहे हो आप मेरी बात? लास्ट लाइन कंफ्यूजिंग होती है, यहां भी लास्ट लाइन कंफ्यूजिंग होती है। 40 जिसने आंसर दिया है मतलब वो क्वेश्चन तो जानते हैं कैसे होगा, उनको कंसेप्ट भी समझ में आ गया है, बस लास्ट लाइन जो है वो हमारा सारा आंसर का तहस नहस उसको कर सकती है, अर्थ का अनर्थ कर सकती है, तो लास्ट लाइन पे ध्यान देना। तो 40 वाले फटाफट से लाइक कर दें कि उनको 25 कैसे आ गया, समझ में आ गया, वीडियो लाइक करें, और जिनका ऑलरेडी 25 था उनको मेरी शुभकामनाएं, और वो भी इस वीडियो को लाइक करें। एक बार मुझे टेक्निकल टीम सामने स्क्रीन पे लाइक्स की संख्या दिखाएं बढ़ती हुई, मैं देख पाऊं के स्टूडेंट्स के लाइक्स बढ़े हैं या उनको नहीं समझ में आया इसलिए उन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया। फटाफट से एक बार लाइक्स की संख्या मुझे दिखा दें। समझ में आ गया सबको? हाँ, फटाफट से लास्ट लाइन मुझको दिखा दें कि लाइक्स वाला बटन जहां पे है कि स्टूडेंट्स ने लाइक बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए। जी ओके, लाइक्स की संख्या लगातार यहाँ पे बढ़ रही है, आधे से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। चलिए, मतलब समझ में आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वीडियो खत्म होने के बाद में इस वीडियो को आप शेयर भी करेंगे, ऐसी भी मैं आपसे उम्मीद रखता हूं। तो यहां तक समझ में आया कि नहीं? अब इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन यही रहेगा, बट ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा आप कह सकते हैं और ज्यादा ट्विस्ट कर देगा, और जब वो क्वेश्चन ट्विस्ट करेगा तो इस पूरे क्वेश्चन की शक्ल बदल जाएगी और एक पूरी तरह से नया क्वेश्चन आपके सामने आएगा, जो कि हमें देखने में नया लगेगा बट वो नया होगा नहीं। अब और वो क्वेश्चन की भी अपनी इंपॉर्टेंस है। अब आप देखिएगा कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यदि मैं 20 किलोमीटर प्रति घंटे से ऑफिस जाऊं तो 8 मिनट लेट हो जाता हूं, देरी से पहुंचता हूं, लेट हो जाता हूं। यदि मैं 30 किलोमीटर प्रति घंटे से ऑफिस जाऊं तो 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता हूं। घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात करें। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन क्या है मैं आपको फिर समझा दूंगा, फिर उसके कंसेप्ट की बात करते हैं। यदि मैं 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ऑफिस जाऊं, घर से अगर वो ऑफिस जा रहा है 20 किलोमीटर पर आर से, तो 8 मिनट लेट हो रहा है, मतलब 8 मिनट में पहुंच रहा है ऐसा नहीं बोला है, 8 मिनट लेट हो रहा है। सपोज करें 2 बजे क्लास में पहुंचना है मुझको, मेरे लिए तो ये ऑफिस हुआ, मैं 8 मिनट लेट हो गया क्योंकि मेरी स्पीड 20 किलोमीटर पर आर थी। अगर मैं 30 की स्पीड से जाऊं तो 4 मिनट जल्दी ही पहुंच जाता हूं, मतलब 2 बजे से 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता हूं। कुल कितना टाइम लगता है, ना पहले केस में पता है ना दूसरे केस में पता है। आपसे अब यहां पे टोटली डिफरेंट क्वेश्चन पूछ लिया कि आप बताएं घर से ऑफिस की दूरी कितनी है। पहले कंसेप्ट समझना, स्पीड आपको दी है 20 किलोमीटर पर आर, और एक बार आप स्पीड रखते हैं 30 किलोमीटर पर आर, यानी कि आप कह सकते हैं कि स्पीड का रेशियो 2:3 आएगा। तो टाइम का रेशियो दोस्त कितना हो गया? टाइम का रेशियो हो गया 3:2। ऑब्वियसली स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगा, स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा। अब आप देखें, एक बार आप 8 मिनट लेट हो रहे हैं, और एक बार आप 4 मिनट जल्दी पहुंच रहे हैं,
मुझे 2 बजे ऑफिस पहुंचना है, मैं 8 मिनट लेट हो गया, 2 बजे से 8 मिनट लेट, और एक बार मैं 4 मिनट जल्दी पहुंच रहा हूं, मतलब 2 बजे से 4 मिनट जल्दी, एक बार 2 बजे से 8 मिनट ज्यादा और एक बार 2 बजे से भी 4 मिनट कम, तो इन दोनों समय में अगर आप चेक करें तो 12 मिनट का डिफरेंस है या नहीं, ऐसे समझ में आ रहा है या शाहरुख खान की तरह ऐसे ही खड़ा रहूं? ध्यान से सुनना, एक बार 2 बजे से 8 मिनट लेट और एक बार 2 बजे से 4 मिनट जल्दी, यानी कुल 12 मिनट का डिफरेंस आया कि नहीं आया। तो अगर यहां पे डिफरेंस रेशियो में कितना है, 1, और उस 1 का मतलब 12 मिनट है, तो इस 3 का मतलब कितना होगा? आप कहेंगे सर 36 मिनट होगा। एक बार करना ही काफी है, पर आप चाहें तो दूसरी बार भी कर सकते हैं। इस 2 का मतलब 24 मिनट होगा कि नहीं होगा? ये क्या निकला? ये निकला कुल टाइम कि 36 मिनट में टोटल मैं घर से ऑफिस पहुंचता हूं या 24 मिनट में टोटल मैं घर से ऑफिस पहुंचता हूं। पर सिर्फ टाइम नहीं पूछा, आपसे डिस्टेंस पूछा। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, चाल इंटू समय। तो ये चाल इंटू ये समय ले लो या ये चाल इंटू ये समय ले लो, दोनों से आपका आंसर सेम आएगा। यानी कि आप डिस्टेंस इज इक्वल टू, स्पीड कितनी थी? 20 थी। जब स्पीड 20 थी तो टाइम 36 मिनट लगा। अब आप याद रखिएगा ये किलोमीटर पर आर है, इसलिए मिनट की जगह टाइम घंटों में होना चाहिए, तो ये 60 में ले आया क्योंकि मुझे मिनट को घंटों में बदलना है। 20 से ये जाएगा, 3 बार 3 से आपका आंसर आएगा 12 किलोमीटर। या आप दूसरा वाला केस ले सकते हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड जब 30 थी तो टाइम लगता था 24 मिनट, और मिनट को घंटों में चेंज किया मैंने तो मुझे मिला 12 किलोमीटर। दोनों में से किसी एक बार या लगाया मैंने कि या तो पहली बार में कर लो या दूसरी बार में। अब इसका ट्रिक समझिए, अब इसका ट्रिक समझना ध्यान से, पलके मत झपकाना। अगर पहली बार ट्रिक देख रहे हो तो ध्यान से देखना। पहली स्पीड थी 20, दूसरी स्पीड थी 30, इनका डिफरेंस कितना है? 10। पहली स्पीड थी 20, दूसरी स्पीड थी 30, उनका डिफरेंस है 10। हमको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड का सेक्शन निपट गया। इनटू टाइम, टाइम 8+4 करो, 8+4 कितना होता है? 12 होता है, 12 को अपॉन 60 कर लो क्योंकि मिनट है। अगर ये 8 घंटे लेट और ये 4 घंटे जल्दी होता तो मैं सिर्फ 12 करता, उसे 60 से डिवाइड नहीं करता क्योंकि वो ऑलरेडी घंटों में है। अब आप इसे सॉल्व करें, 0 से जाएगा 0, 20 से जाएगा 3 दफा, 3 से जाएगा 3, और आपका आंसर आ जाएगा 12 किलोमीटर। ध्यान से मेरी बात सुनना, एक और क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, ऐसे 2-3 क्वेश्चन आज की तारीख में आपसे मैं करवाऊंगा, ठीक है? तो ध्यान से सुनना, करना आप कोशिश करें कि आपको एक ट्रिक समझ में आए। क्या करना है? दोनों स्पीड को मल्टीप्लाई करके उनका डिफरेंस इनटू टाइम को जोड़ के उनका अपॉन 60 सिर्फ तब, क्योंकि ये मिनट में है और मिनट में ही बनता है, इसलिए अपॉन 60 ये लगभग हर बार आना ही है। एक और क्वेश्चन को आप समझ करके देखें, शॉर्ट में लिख रहा हूं। 12 किलोमीटर पर आर तो 5 मिनट लेट, और 20 किलोमीटर पर आर तो 3 मिनट जल्दी पहुंचता है ऑफिस में, है ना? आपको बताना है डिस्टेंस कितना है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखें, 12 इंटू 20 और इनका डिफरेंस कितना? 8। 12 और 20 इनका डिफरेंस कितना? 8 इंटू 5+3 को जोड़ो कितना? 8/60 कर दीजिए। 8 से 8 जाएगा, 20 से जाएगा 3 बार, और 3 से जाएगा 4 बार, यानी 4 किलोमीटर आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। बात आ रही है आपको समझ में? और देखें, अब कभी कभी इसमें कुछ चेंज होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। स्पीड है 15 किलोमीटर पर आर, तो मैं घर से ऑफिस पहुंचने में 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता हूं। और अगर 10 किलोमीटर पर आर मेरी स्पीड होती तो 2 मिनट लेट पहुंचता। आपको बताना है डिस्टेंस कितना है, फटाफट से, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। इसका आंसर क्या होना चाहिए? तौकीर, आकाश, सुरेश, हीना, रोहित, सब आंसर दें, सोनू भी, सुरेश भी, रोहित, महावीर, डिंपल, प्रियंका, इस क्वेश्चन का आंसर। स्पीड है 15 किलोमीटर पर आर, लैंग्वेज आप समझ ही गए हैं। यदि मैं घर से ऑफिस 15 की स्पीड से जाऊं तो 4 मिनट जल्दी पहुंचता हूं, और 10 की स्पीड से जाऊं तो 2 मिनट लेट पहुंचता हूं। डिस्टेंस कितना है?
अंसारी जी फटाफट से आंसर दे दीजिए, अनु, रणवीर तीन आंसर दे रहे हैं, ममता चार आंसर पिछले क्वेश्चन का है शायद, शबनम तीन, हिम्मत राम खोजा आंसर दे दो भाई, थैंक यू, विशाल, गोलू, सबका आंसर तीन आ रहा है, क्या होगा भाई 15 × 10, 15 और 10 का डिफरेंस 5, 4 + 2 6/60, 6 से गया 10 बार 0 से गया 0, 5 से गया 3 बार, यानी आपका आंसर आ गया 3 किलोमीटर्स। समझ में आया सबको, सबके आंसर तीन है कि नहीं है, ओके। अब आप देखो अभी तक क्या था, एक बार था जल्दी और एक बार था लेट, एक बार था जल्दी और एक बार था लेट। अब अगर दोनों केस में जल्दी या दोनों केस में लेट हो जाए, यदि मैं 20 किलोमीटर प्रति घंटे से की चाल से अपने घर से ऑफिस जाऊं, इफ आई गो टू माय ऑफिस फ्रॉम माय होम विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, तो मैं 12 मिनट लेट हो जाता हूं। अगर मेरी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर होती, इफ माय स्पीड वाज 30 किलोमीटर पर आवर, देन आई वुड गेट लेट बाय ओनली 4 मिनट्स, तो मुझे 4 मिनट लेट होता। घर से ऑफिस की दूरी ज्ञात करें, दोनों बार इस बार क्या है, लेट है, समझ रहे हो बात को, और दोनों बार जल्दी भी हो सकता है, वो भी साथ साथ ही लिख देता हूं। 15 किलोमीटर पर आवर से जाऊं तो 2 मिनट जल्दी पहुंचूंगा, और अगर 20 किलोमीटर पर आवर से जाऊं तो 6 मिनट जल्दी पहुंचूंगा। आपको डिस्टेंस बताना है, दोनों ही केस में क्या है, अर्ली है, और उस केस में दोनों ही केस में लेट था। पहले का आंसर 8 दे रहे हैं, एक बार जिनका आंसर कुछ भी आ रहा हो एक बार देखें। अब क्या होगा, देखें आप, पिछली बार 12 और 4 अगर जब लेट और जल्दी होता, अगर ये 12 मिनट लेट और ये 4 मिनट जल्दी होता, अर्ली होता, तो आप 12 और 4 को ऐड करके 16 करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि लेट और जल्दी का डिफरेंस तो जोड़ के आएगा, 4 मिनट लेट और 2 मिनट जल्दी मतलब 6 मिनट का डिफरेंस, 10 मिनट लेट और 5 मिनट जल्दी मतलब 15 मिनट का डिफरेंस। उसी तरह अगर दोनों ही लेट और दोनों ही जल्दी हो जाए तो आप जोड़े नहीं घटाएं, उसके अलावा कोई फर्क नहीं है। मैं लेट हूं, 12 मिनट लेट हूं और 4 मिनट लेट हूं, मतलब 2 बजे के बाद ही 4 मिनट और 2 बजे के बाद ही 16 मिनट, तो उनमें गैप कितना होगा, घटा के आएगा, यानी कि वही सेम चीज है, पहली स्पीड 20, दूसरी स्पीड 30, उसका डिफरेंस 10। इस बार डोंट ऐड दीज टू नंबर्स, 12 और 4 को जोड़े नहीं, 12 और 4 को घटाएं, यानी 8 लिखें अपॉन 60 तो करना ही है। दोनों लेट लेट या दोनों जल्दी जल्दी, इस केस में आपको टाइम को ऐड नहीं करना है। लेट जल्दी जब होगा तो 12 प्लस 4 करते, पर लेट लेट है या जल्दी जल्दी है तो घटाएं। ये जाएगा 2 बार, ये जाएगा 2 बार, ये जाएगा 4 बार, और 2 × 8 किलोमीटर आपका पहले क्वेश्चन में आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन में भी यही होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है ना सबने, जी हाँ, पहली स्पीड 15, दूसरी स्पीड 20, उनका डिफरेंस 5 × 2 और 6 को घटाओ, 2 और 6 को घटाओ, 4/60, 15 × 60, 5 से गया 4 बार, आपका आंसर आ गया 4 किलोमीटर। समझ में आया कि नहीं आया, सबके नाम देखें, कभी कभी नहीं पढ़ पाता हूं, जिनका नाम नहीं पढ़ पाया मैं उनसे माफी चाहता हूं, और पूरी कोशिश करूंगा। सतीश, कैलाश, सबको मेरी तरफ से अभिवादन, सबका मैं स्वीकार करता हूं, कभी कभी नाम नहीं ले पाता। अकरम अंसारी, मनलेश जागते, सुरेंद्र, सबके आंसर 8 और 4, भाई 6 नहीं आएगा, 4 आएगा, ठीक है, अभी ऊपर नाम उत्कर्ष था शायद, मैं नाम नहीं देख पाया, 8 और 4, 8 और 6 नहीं, ठीक है। रोहित, गणेश, सबका आंसर 8 और 4 आएगा, और उम्मीद करता हूं उन्हें ये चीजें समझ में आई होंगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो कल के वीडियो में एवरेज स्पीड और उसमें कुछ डिफिकल्ट घूमे हुए ट्विस्टेड क्वेश्चंस लेकर मैं फिर आपके सामने हाजिर होता हूं। उम्मीद करता हूं आज का प्राइज क्वेस्ट सुबह 7 बजे से जो रात को 12 बजे तक चल रहा है आपने उसे दे दिया होगा, नहीं तो आप इस वीडियो के बाद में उस क्विज में हिस्सा जरूर लेंगे।
और आप लकी होंगे, आपका आप ही के नाम जो लकी ड्रॉ है वो आपके नाम निकलेगा। इस आशा के साथ में अभी मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मौसम का मजा लीजिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। डाउनलोड ई उत्कर्ष ऐप from Google Play Store. E-Utkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation. With lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download E-Utkarsh app now.